नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अजय कदम स्पार टेक्निकल्स से, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोकिया ने अपने नए फोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जैसे नोकिया 6, नोकिया 5 और नोकिया 3 और नोकिया 3310 भी लॉन्च किया है। तो आज मैं स्पार टेक्निकल्स में रिव्यू देना चाहूंगा नोकिया 6 के बारे में। पर मैं कहा हूं तो चलिए अपने स्टूडियो में, तो चलते हैं स्पार टेक्निकल्स के स्टूडियो में। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। बात करते हैं नोकिया 6 की बॉडी के बारे में। ये आता है फुल मेटल बॉडी के साथ। एक्चुअली अगर इसको आप नोकिया विंडोज का जो पहले फोन थे उनके साथ कंपेयर करेंगे तो सेम वैसा ही लुक है। इसके पीछे जो कैमरा दिया है उसके नीचे ही नोकिया का ब्रांडिंग भी है, और उसके जरा सा ऊपर देखे तो फ्लैश दिया है, जो नोकिया के विंडोज के जो पहले फोन थे उनसे सिमिलर दिखता है। बस उसमें डिफरेंस यही है कि नोकिया का जो पहला फोन था वो प्लास्टिक का आता था और जरा वाइब्रेंट कलर के साथ, पर इस फोन में आपको फुल मेटल बॉडी दी गई है, और वो भी व्हाइट, ब्लैक और सिल्वर ऐसे कलर्स में। और उन फोन में आपको रिमूवेबल बैटरी और सिम कार्ड अंदर डालने की सुविधा मिलती थी। यहाँ पे आपको साइड में स्लिम स्लॉट दिए गए हैं। अगर इसके स्क्रीन के बारे में बात की जाए तो ये आता है IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ और 16 मिलियन सपोर्ट। इसकी डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो ये आता है 5.5 इंच के डिस्प्ले के साथ, IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ और 1080x1920 पिक्सल्स की PPI डेंसिटी के साथ। और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है। बात करते हैं नोकिया 6 के प्लेटफॉर्म के बारे में। यह आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 7.0 नोगेट के साथ। इसके प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो यह आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ और 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टाकोर एडेनो A53 CPU और एडेनो 505 GPU के साथ। इसको आप 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। आगे बढ़कर बात करते हैं नोकिया 6 के कैमरा के बारे में। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको 2.0 का अपर्चर मिलेगा, 2.0 का अपर्चर मिलेगा जिसमें आपको की फीचर्स मिलेंगे जैसे फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और जियो टैगिंग। इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात की जाए तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, उसमें भी आपको 2.0 का अपर्चर मिलेगा। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में भी आप 1080 पिक्सल्स पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करते हैं नोकिया 6 की बैटरी के बारे में। यह आता है 3000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ, जिसमें आपको 768 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम मिलता है, 18 आवर्स का टॉक टाइम मिलता है और 22 आवर्स का म्यूजिक लिसनिंग टाइम मिलता है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जी सेंसर, कंपास सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर इज माउंटेड ऑन द फ्रंट, मतलब ये इस फोन के आगे के साइड जो इसका होम बटन है वहां पे दिया गया है, जो आजकल हर एक फोन में दिया जाता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात किया जाए तो ये आपको 18,000 में मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 GB रैम मिलेगा और 64 GB इनबिल्ट मेमोरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू नोकिया 6 के बारे में। आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल स्पार टेक्निकल्स को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। तो विदा लेने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि टेक्निकल बनो, सोचना दिमाग से चालू करो।